तो भैया आज है हफ्ते के दिन और हम जा रहे हैं ओसामा के यहाँ, क्योंकि ब्लॉग शूट करना है भाई। बहुत टाइम हो गया ब्लॉग शूट किए, तो मिलते हैं वहाँ पे। तो भैया न्यूयॉर्क से कराची और लंदन से लाहौर तक तमाम देखने सुनने समझने वालों को मेरी यानी आर जे जैन की तरफ से सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज स्लो बात कर रहा हूँ क्योंकि भैया यहाँ पे मैच खेलने के लिए आए हैं। मुझे पता है आपको ये मैच लगा हुआ, पूरा सर्दियों में मैच खेलने का अलग ही मज़ा है। और बस मैच खेलने आए हुए थे आज, बहुत टाइम बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। मैं क्यों शॉर्ट था, कहाँ गया था, उस तो बताऊँगा मैं आपको। तो ये ब्लॉग बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं बता सकूँ आपको कि मैं कहाँ था, किधर था। तो अभी जिसका चलता रहेगा दिखाते रहेंगे। तो भैया मैच चलता रहेगा यूं ही और सुबह तक मैच चलेगा। और हमें लग रही भूख, अभी मैं ओसामा जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, और कुछ खा पी लेते हैं, जो खाएंगे वो दिखाएंगे आपको, फिर वहाँ से दोबारा के मैच शुरू करेंगे वाला। तो खा पा टाइम ओके भैया, ये माइक आज खैर हम लोग आ चुके हैं गाजी बिरयानी गुलशन के अंदर। और मैं ओसामा के पास आया था तो पता है आपको, ओसामा भाई ये बैठे थे हमारे। तो आज ऐसे ही हफ्ते अंत मैं सोचा कि आज अपडेट ब्लॉग भी कर दूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी टाइम से शॉर्ट था मैं यूट्यूब से, तो आज यहाँ पर आए हैं। बिरयानी फोड़ेंगे पहले हम लोग, फिर पता नहीं क्या करेंगे। खैर जो अभी तो फिलहाल रिपोर्ट ये वाली, मैं बिरयानी दिखाता हूँ आपको। आप बिरयानी देखिए भाई, कुछ बोलना चाहेंगे सामा भैया? अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले बिरयानी खाते हैं फिर बाद में बात करेंगे। भाई यहाँ पे पहले बिरयानी हुआ करती थी, अब कोई भी नहीं है, अब बिरयानी यहाँ पर है। अब बिरयानी यहाँ पर। अंकल कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अंकल बड़ी मजे की बिरयानी थी, मजा आया खा के। गजब बेइज्जती है। ये अभी बिरयानी का नाम है। जी मैच पहुंच चुका है अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग राउंड के अंदर। दो और तीन बॉलों पे चाहिए इनको 25 रन। ओसामा की टीम, ओसामा कड़ा हुआ कैप्टन अंपायर, सॉरी चलो अभी चक्का और आ गया। भैया मैच और फड्डा होना हो, ऐसा हो नहीं सकता, फड्डा हो गया। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। भैया वो कहते हैं ना कि कहानी खत्म पैसा हजम, वो हो गया, मैच जीत गए हम लोग। अभी हम जा रहे हैं घर पर ओसामा के, वहाँ मिलता है। अच्छा जी, मुझे मालूम है इस ब्लॉग में ऐसा कुछ खास था नहीं, मुझे पता है, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं किया था मैंने। तो सोचा कि कुछ बना के बता के कि मैं कहाँ था, क्यों था, कहाँ गायब था। तो भैया गायब मैं कहीं भी नहीं था, सारा सीन ये है कि जिस शहर में मैं रहता हूँ सभी को पता है, आप सब देखते होंगे कि वहाँ के हालात थोड़े से ख़राब हैं। ऐसा ना हो कि मैं ब्लॉग शूट करने जाऊँ, फ़ोन निकालूँ, कुछ और निकाल लें, फ़ोन ले जाए मेरा। तो इसलिए थोड़ा सा डरावा भी था, एक दफ़ा हो चुका था मेरे साथ, अभी आज से कोई महीने पहले की बात है, ये हो चुका है कि भाई मैं खैर वो ब्लॉग शूट नहीं कर रहा था ना, मैं ऐसे ही गया था। तो दो भाई आए थे, खैर मैं भाग गया था वहाँ से, खैर गलत किया मैंने, मुझे भागना नहीं चाहिए था वहाँ पे, पर मैं भाग गया था तो मेरा फ़ोन बच गया था। तो दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी सी मुसीबत बढ़ गई है, रेट सी बात है, जब भी टाइम निकाल नहीं पा रहा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तकरीबन हफ्ते में एक ब्लॉग ज़रूर अपलोड करूँ, कम अज़ कम एक, क्योंकि मैंने पहले ब्लॉग अगर देखे मेरा तो
तो उसमें मैंने बहुत चौड़े में कहा था कि भैया हफ्ते में 3 ब्लॉग नहीं भैया नहीं होता, तो कोशिश ये होगी मेरी कि हफ्ते में कम से कम 1 ब्लॉग अपलोड करूँ मैं। आज आप देख रहे हैं मेरा बैकग्राउंड चेंज है, ये बिस्तर है मेरा, मैं सोता हूँ यहाँ पर। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के अंदर, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं काफ़ी टाइम से गायब था। अब मुझे खुद को भी अजीब सी फीलिंग हो रही थी यार कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो अधूरा है, तो बस अधूरा बन ये था कि ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी ब्लॉग अपलोड करूँ हफ्ते में कम से कम एक बार। तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भैया सपोर्ट करो, ऐसी सपोर्ट बड़ा अच्छा करते हो आप लोग, वो करो बस। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए चलो शाबाश अगला।